मैंने इसकी चूड़ियाँ लेनी है। मेरा हाथ में कहा क्या पा रही तीन मत की है। हाउ कैन अस्सलाम वालेकुम जी, चांद रात मुबारक, चांद रात वाल मुबारक। एनीवे जी, सो लोग जो हैं वो चांद रात को जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, बट मैं दिन को ही काम निपटाऊंगी। एंड मेरे को बड़ी बड़ी चीज़ लेनी नहीं है, आई जस्ट वांट टू चेक अगर मुझे एजल के जूते मिल गए, और एक मैंने इसकी चूड़ियाँ लेनी है और मेहंदी, ये तीन चीज़ें हैं। चेज वैल्यू एक मॉल जो है वो हमारे पास ही है, तो मैं इसमें वहाँ जाकर चक्कर लगा कर पटा जाना है, बिकॉज अगर मैं शाम को गई थोड़ा लेट गई तो बहुत रश हो जाएगा, और वैसे बाज़ार में मेरे घूमने की हिम्मत नहीं है, बिकॉज मुझे पता है वहाँ बहुत रश होना है। मेरे तरह के बहुत सारे लोग हैं जो एंड मिनट वाली शॉपिंग करते हैं ना, वो तो इसलिए जो है ना फटाफट हम अभी काम निपटा आते हैं। और मुझे अपना सनस्क्रीन नहीं मिल रहा, मतलब हर दर इतनी बेसिक की अल्लाह करे गाड़ी में पड़ा हुआ, मुझे ऐसे जाते हुए कुछ हो रहा। खैर ये सारा सामान पड़ा हुआ है, ये और सब चीज़ें ऐसी बिखरी हैं, मैं गंद जाके जा रही हूँ। ये दो तीन चीज़ें मैंने अंदर रखनी है, ये मैं ख़त्म कर रही थी और इनमें से हुआ ही नहीं है। खा के जाऊँ ताकि, क्योंकि मैं वहाँ गई ना तो मैंने जो है ना उल्टी से कुछ खा लेना और फिर काम ख़राब। खैर जी बस निकलते हैं, जूते चेंज करें और निकले। इतने अरसे से ये हरकत कर रही हूँ कि मैं जब भी बाजार जाती हूँ मैं थ्री पीस सूट पहना होता है, और आज मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है थ्री पीस सूट नहीं पहना, और मुझे इतना अजीब लग रहा है, खाली खाली लग रहा है कुछ। खैर इसके साथ थ्री पीस सूट संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है। इतनी ज़ैफ़ा ने अपना नाश्ता भी नहीं किया, तो उसका लंच बॉक्स लादा जा रहा है, हर बच्चे के खाने सेपरेट जा रहे हैं, इसल का लादा है, ज़ैफ़ा का लादा है। इतनी चीज़ें याद आ रही, मेरा हाथ में कहा देखिए मैंने बच्ची कैसे पकड़ी हुई है। बस चलें गाड़ी में बैठ के सब सेट करेंगे। ये जी मैं वेट कर रही थी रिसेप्शन के बाद गाड़ी में, मैंने कहा आई वाज लुकिंग एट माय स्किन, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स लुकिंग रियली बेटर। उस टाइम मैंने मुंह पर कुछ पेंट लगाया था, बस एक सनब्लॉक ही था और लिपस्टिक लगाई थी, टिंट वगैरह कुछ नहीं लगाया। आगे बैठ गए हैं इतने अरसे बाद, मैं वेट कर रही थी घर में की गाड़ी लेके ऊपर आएंगे, तो इतनी देर में ही आगे बैठ गए। बस अभी आगे बैठते हुए पीछे नहीं आता, तो आज जो है मैं पीछे बैठी हुई बिल के साथ, और मैंने एक डोटा एक्स्ट्रा रख लिया, बिकॉज मुझे लग रहा था कि मुझे नींद पड़ेगी, मुझे खाली खाली लग रहा है चक्कर में। खैर देखें ये सबसे ज़्यादा यही मैच हो रहा था जल्दी जल्दी में। सर जूता मुझे कोई मिला नहीं सही, तो नहीं यहाँ पे ऐसे तो था अजीब से जो है ना ऊपर से जो लगी होती नहीं बोझ नग से अजीब अजीब, छोटे बच्चों को बहुत ही अजीब लगते हैं, तो मैंने नहीं लिया। खैर आपसे भी फिर ज़ैफ़ा आ गई था, इस वजह से मैंने खुद बिठाया उसको, क्योंकि आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल, नींद थी मुझे आ रही थी, मैं कहा चलो पीछे जाके बैठ जाती हूँ, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है बंदा, क्योंकि आगे मैं खुद भी होती हूँ, फिर एजल भी होती है, ज़ैफ़ा भी आ जाता है, तो बहुत कुछ हो जाता है। फिर घर जी हम आए हैं तो पता चला जी हमारा ये सर्किट ब्रेकर काम नहीं कर रहा, लाइट चली गई, इतनी गर्मी थी बाहर, और घर आके वो यार अरे ठीक करने की कोशिश हो रही है जी, देखें क्या बनता है। जो चूड़ियाँ थी वाइट वाली तो जो है ना मैंने निकाल के एजल को पहना भी दिए हैं थोड़ी सी, ये गोल्डन वाली करके, और एक ये मैंने मल्टी कलर में ली है, मैंने ज़्यादा इसलिए ली नहीं, मैंने कहा छोटी हो जाएंगी फिर मैं क्या करूँगी उनका, और एक ये मैंने अपनी लिया खाम खा के, उस टाइम ज़्यादा इतना शोर मचा रहा था, मैंने बस जल्दी जल्दी आई एम नॉट इवन श्योर कि ये मुझे पूरी भी आनी है कि नहीं, पर मैं फिर भी ले ली हूँ। इसको बड़ी हैं अभी तो मैंने फिर भी ढीठ बन के पहना दी है, इतनी गर्मी है ना भाई, मैं रश से बचने के चक्कर में चली और मेरा दिमाग इस टाइम लिटरली उभर रहा है। आते ही जो है ना सबसे पहले मैंने खुद फ्रेश हुई, शॉवर लिया, मैं सब बच्चों का रगड़ के नहलाया, बाजार में फिरते हुए मॉल के अंदर पता नहीं चलता, लेकिन खाली पार्किंग से अंदर तो जाने जाते थे ना बंदगी बस हो जाती है, और इतने गाड़ी धूप में खड़ी है पार्किंग में, बिकॉज रश इतना ज़्यादा है, जो अच्छे वाले पार्किंग स्पॉट वहाँ बात मिल ही नहीं सकती ना आपको, और जहाँ वहाँ से पार्किंग स्पॉट में बोलते जाते हैं जाते हैं अल्लाह से मुझे नहीं मिले, वो अजीब से तीन लोकल से लुक आ रही थी उनकी, सो आई डिडंट बाय देम। मैंने बस जो है ना दो पेंटियाँ ली हैं एजल की, अच्छा मिनी वाला सिर्फ फ्रॉक जब भी लेती हूँ एजल के, हमेशा उनसे पेंटी साथ होती है और वो अच्छे मटेरियल भी होती है। अब ये वाली अब मैंने ली है अपन किसी लोकल दुकान से ऐसे ही, अब ये ऐसी सी हैं कोई मतलब इनकी क्वालिटी इतनी खास अच्छी नहीं है, लेकिन अब इतनी फ्रॉक मैंने जगह से ली हैं कि वो अच्छे प्रिंट और मतलब
बाहर पेंटी देते ही नहीं है, वो मैच नहीं हुई होती, वो अजीब सी लगती है। ऑफिस घंटों बच्चा पार्टी आई हुई, बस देखते हैं जी क्या आ रहा, बस देखते हैं जी क्या आ रहा। उसके पीछे जाना, मैंने हेज़ल का सूट ले लिया। लुक इट सो क्यूट। अल्लाह मुझे लग रहा है अभी भी ये छोटा है। अबे यार आई, मैंने सबसे बड़ा साइज लिया है ये मैंने 12 to 18 मंथ लिया है। हाउ कैन अ 12 to 18 मंथ बेबी फिट इन इट? वो कहते हैं इसको टॉप है और मैं इसको एज अ फ्रॉक यूज़ करती हूँ। खैर जी, अब तो मैंने ले लिया सो ले लिया, अब मैं चेंज निकलाने जाऊँगी, बहुत बुरा हाल है बाहर। और ये मैंने चेज़ब से, चेज़ वैल्यू से ही लिया, बस ये आम पहनने के। तो इसका सीधा कहाँ है, उल्टा कहाँ? आई थिंक ये सीधा है, इससे सर पहनती थी ये, बस मेरी ऐसी नज़र पड़ गई इच्छा पड़ के। हालांकि इस तरह के मॉल मुझे वो कम ही होता है कि कोई ढंग का मिल जाए, बट फिर भी जो है ना हमने ले ही लिया, अननेसेसरी चीज़ें ले लिया। और अब जो है ना हम स्टेशन को सुलाते हैं और सुला के जो है ना हम इसकी मेहंदी लगाते हैं, चांद रात वाली वाइब सब शुरू करते हैं जी। एजल इस टाइम जो है वो सो रही है, मतलब लिंक अच्छी बुक की नींद के देखें। मैं चाह रही थी फटाफट जो है ना मैं उसकी मेहंदी लगा दूँ। मैंने यहाँ पे है ना स्टेंसिल्स मंगाए थे, मैंने कहाँ रखी हैं? यस फाउंड देम। जब ये आई थी इतनी टेढ़ी थी, तो मैंने जो है ना इसको बुक में रख दिया था, मैंने कहा कुछ टाइम में जगा के जो है ना सीधी हो जाएंगी। अभी मैंने सोचा ही था मैं लगाती हूँ, और उसी टाइम जो है ना उसने आँख खोल ली। लोग पता नहीं बच्चों की मेहंदियाँ कैसे लगा लेते हैं। आई वॉज लुकिंग फॉर स्टिकर्स, लेकिन एक तो वो महंगे बहुत थे, 1500 2000 कितने के पेज पर पड़े हुए थे, और पैक था कुछ का। मैंने कहा मैंने इतने सारे क्या करने हैं, और इतने महंगे तो मैंने दे रही। तो हमने कहा हिना स्टेंसिल से लगा ले, हटा के शुरू कर। एक मिनट, ये पास मेहंदी ही नहीं है। अल्लाह मैं बाजार घूम के आई हूँ, देखो लेके देखो ये मैं गुस्सा करना है। ईद मुबारक। चांद रात गुजर गई और मैंने मेहंदी लगाई ही नहीं, बिकॉज वो बहुत देर से आई थी। नो बेटा अकाउंट पर ना, अब मैं इसको लगा रही हूँ फटाफट, नमाज पहले मुझे लग जाए। फजर की नमाज पढ़ती हूँ, भागी हूँ कि नो यू डोंट नीड मेकअप, कि मैं जो है फटाफट इसको मेहंदी लगा दूँ क्योंकि कोई और काम करो। नहीं मैं तो एक्साइटेड थी उसको लेके, लेकिन मेरे से सही लगी नहीं, या तो पता नहीं मुझे लगाना नहीं आता, या पता नहीं वो थी स्टिकर नहीं थे। एनीवे अगर अच्छी आपको मेहंदी आपको लगाना आता तो ये बहुत सिंपल सोल्यूशन है, स्पेशली छोटे बच्चों के लगाने के लिए, या बड़ी बच्चियों के भी, जब उनको आपको लेके पार्लर नहीं भागना पड़ेगा आधी रात को करके कि चांद रात जी लिखवा के लानी है, तो इससे छोटे बच्चे की आसानी से लग जाती है। इजल की तो कभी भी नहीं मैंने सोच सकती कि दूसरी तरह मैं लगवा सकूँ, मुझे अपनी लगी हुई हाथ पे इतनी प्यारी नहीं, लेकिन बच्चियों की इतनी प्यारी लगी, तो मैंने जो है ना सारे शौक से इधर पूरे करें। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ मुझे हाथ ना लगाना पड़े, लेकिन फिर भी वो सेट नहीं होती, मैंने हाथ पे लगा के उसके ऊपर मैंने ये क्लीन शीट लगा दी थी। मैंने कहा चलो इससे जो है ना थोड़ी देर लगी रह जाएगी, लेकिन उसने फिर भी वो हाथ हिलाई जाए, जब साइड से निकली जा रही थी तो मैंने जो है थोड़ी देर बाद ही उसको जो है साफ़ करके खोल दी, लेकिन ठीक लगी फिर भी, इस हाथ पे ठीक लगी थी, दूसरे वाला जो है ना ख़राब हो गया। हाथ पे फिर कुछ बेटर लग रही, दूसरे पे तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है, मेरी बेटी के हाथ ख़राब हो गए। आई जेड से गुड यूज़ कर, वो स्टिकिंग भी उसके पीछे नहीं है, वो चिपक ही नहीं रहा, मेरी आधे से ज़्यादा चीज इसलिए ख़राब हो गई है। मैंने इसमें से इतने सारे निकाले चिक कर रहा था, और बाकी सारे के सारे फजूल हैं। आई एम नॉट ट्राइंग इट अगेन, थैंक यू।